ये इसका ये चेंज करेगी, ये इसके साथ इसका फ्यूल ज़्यादा होता है, अब इसको ये वाला लगाएगी, ठीक है, तो ये वाला लगाएगी, ये सोचे दर लगेगा ये वाला, ठीक है ना। इसको इसको हम डिफ्राम खोल के तो ये वाला फिट करना पड़ता है, ठीक है, वैसे ये फिट नहीं होता है क्योंकि ये इसमें छोटा सा काट होता है, इसमें ये लाग पड़ जाती है। तो क्यों नहीं, ये फिट हो गया है, ये ठीक है, ये इसके अंदर स्प्रिंग होता है, ये तार इसकी देख लें, बारो फिर टाइम करो ना, अंदर स्प्रिंग निकल जल जाए, इसमें ये डिफ्राम डालेंगे, ठीक है, ये इसकी डिफ्राम B2 भी, B2 3 भी सबको यही लगती है, ठीक है, डिफ्राम इस तरह डालेंगे ना, ये इसको इधर दबा के रखते हैं, इस पे तो डिफॉर्म होने में बड़ी मुश्किल है, हैं नजर नहीं आ रहा सही पर, थैंक यू सर, इसकी डिफ्राम फिट हो गई है, ठीक है, ये बैठ गई है, इस्तेमाल तूने उन्होंने जी बाद बनाया नहीं बनाया ने जी, शायद तो सब कोई फिर उस तो बाद सब बनाया सही छोटी जीप मेरे मामू जी आए ने, सारे जीप टोड़ दियो, सारे जीप आसान जी बुला दी है, जीवा बुला दी है आसान ही ज्यादा तरह उधर ही जीपा शिपा ने ताए चाचे मामू जी मेरा ताए का पुत्र इसे तकरीबन 3 महीने लाए नहीं थे गाड़ी तैयार करवाई नहीं खाता उस टूब की इन्हीं ने निशान दी टूब 80,000 दी अभी इसकी इसको ये लगाएगी, ठीक है, इसको टाइट करो तो फ्यूल कम होता है, इस तरह लूज करो तो फ्यूल ज़्यादा होता है इस पंप का, देखिए टूट गया सो तो तले लासूं तो ये आप देख सकते हैं इसका डीजल इस जगह में रहता है, ठीक है, जिधर है बिल्कुल सीधा, चेक करना पड़ता है इस तरह, इसको दबा के रखो डिफ्राम काम कर रही है कि नहीं, ऊपर इसके ऊपर हाथ रखना पड़ता है, ये अभी इसका प्रेशर इसके बीच में ही है, इससे मैं हाथ उठाऊंगा तो पता लग जाएगा, ठीक है, जब ये प्रेशर ढकन कंट्रोल ना हो तो फिर डिफ्राम लीक होती है, अभी ये ठीक है, जब डिफ्राम लीक होगी सफ़ेद धुआं देगी गाड़ी, ये अभी देखो कंट्रोल इसका ठीक है, ये प्लेट लगाएगी, ये प्लेट डीजल बराबर करने के लिए खोली थी,
ऐसा उत ही रहो गड्डिया नाल उठे ही तो सारा काम करे गड्डिया का साकुब तैयार है ना सर तैयार है बिल्कुल तैयार है ठीक है टिली में आप छोड़ी याद है चौक टिली वाली तार होती है ठीक है ये भी इसको लग गई है तो हम स्टार्ट करें इसको पीछे